वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है YT UK01 में। और इनमें जा रहे हैं अपने गांव की साइड, तो जैसे कि हमारा अभी अपना घर इस्टेब्लिश हो रहा है, बन रहा है, तो आज उसकी प्रॉपर देखने जा रहे हैं कि कैसा बना है, क्या चीज़ें चेंज करने की हैं या क्या उसको और बताना है। तो इस फाइनली आज हम गाँव जा रहे हैं, तो गाँव की आपको वीडियो दिखाएंगे कि घर कितना बन गया है, कैसा बनाया है। ठीक है, तो ये अपनी गाड़ी होगी रेडी। ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप दे रहे हैं इसको ताकि वार्म अप होके फिर हम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अभी टेम्परेचर है, अभी मॉर्निंग में 15 था, 15 टू 14 वरी करता है अल्मोड़ा का। ठीक है, तो अभी हम मामा जी घर रुके थे, तो अभी हम मामा जी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, अपने गांव। तो गांव में देखते हैं कि क्या क्या अभी घर की क्या परिस्थिति है, या मतलब किस तरीके से क्या कंडीशन है, क्या बना दिया है। तो गाइस बने रहिए चैनल में, आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की ब्यूटी। और देखिए ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, पहाड़ देखिए कितने प्यारे लगते हैं इस टाइम पे, ये सुंदर वादियाँ, ग्रीनरी। ठीक है, ओवरऑल देखो देखने में बिल्कुल काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये कुछ अपना व्यू है उत्तराखंड का, और आज हमें मामा जी सारी जगह एक्सप्लोर कराएंगे। तो मामा जी एक बार सबको हेलो। हाय। तो ये हमारे मामा जी हैं। ठीक है, तो मामा जी आज हमें कहाँ कहाँ घुमा रहे हो आप? हम आपको द्वाराहाट ले जाएंगे आज यहाँ से। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद ले जाएंगे हम आपको नौबाड़ा। और अब कल कहाँ जाने वाले हम? शाम को रानीखेत, कल हम जाएंगे चंपावत। तो कल हम चंपावत में आपको हम क्या क्या दिखाएंगे? चंपावत में हम इनको दिखाएंगे, वहाँ दो तीन फेमस मंदिर हैं, लोकेशन है लोहा घाट है। तो कल हम वो एक्सप्लोर करेंगे। लोहा घाट के नज़दीक क्या यार एक वो था, उसका नाम मैं भूल गया। कोई बात नहीं, हम कल सर्च मार लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल आपको गाइस। तब तक चल, एवेट माउंट है जगह का नाम, तो कल आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं। तो बाकी बने रहिए चैनल पर, आगे मिलते हैं। तो गाइस ये कुछ घर है जो बन रहा है, और ये हम अभी गांव में दोबारा से कंस्ट्रक्ट होके घर बनाए, तो ये पूरा घर है। तो मैं ओवरऑल आपको एक बार घर दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे जाने का है यहाँ से। ठीक है, तो देखते रहिए जरा घर का ओवरव्यू, दिखाते हैं आपको। ये कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है बाउंड्री, और ये कुछ घर का दृश्य है। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, ओवरऑल कर लेते हैं इसको कवर। बाकी अभी बनने के बाद आपको पूरा दिखाया जाएगा कैसे है। दिवाली तक बोल रहे हैं लोग कि बन जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इस चौक तक है। ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ओवरऑल, ये सारे पेड़ हैं अंदर ही। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट बनने के बाद बाकी आपको दिखाया जाएगा कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, ये कुछ ओवरव्यू है बाउंड्री से। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट का है, तो यहाँ से एंट्रेंस है। देखिए ये मंदिर के लिए जगह बनाई है, तो प्रॉपर यहाँ मंदिर बनेगा। ठीक है, ये ओवरऑल रूम्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अभी चल रहा है, और बाकी गेट वेट लग चुके हैं अभी तक। ठीक है, एक रूम ये है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तो यहाँ पर बेचारे लेबर रुके हुए हैं, तो अपने हिसाब से वो बना रहे हैं खाना पीना अपना। और बाकी इस साइड से ये व्यू है। ठीक है, यहाँ भी अभी बनेगा तरीके से। तो ये ओवरऑल रूम्स वगैरह हैं, ये पूरा आपका बालकनी एरिया हो गया। और किचन की बात करी जाए तो ये किचन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल किचन है जो कि बनाई गई है। ठीक है, ये देखो ताई जी हमारी, ये गोला दे रही है। मैंने कहा ताई भाई गोला मत दो, पासबुक दे दो मुझे अपनी बैंक की। वो मना कर रहे हैं, कह रही गोला ले जाओ। तो गाइस जैसे आपने फाइनली देख लिया होगा, ये हमारा घर है जो बन रहा है। ठीक है, और बाकी का जो है ना, आपको जब बन जाएगा अच्छे से विद इन अ मंथ मेरे ख्याल से ये रेडी हो जाएगा, तो फिर आपको ये घर दिखाया जाएगा। ये हमारा रोड से ये पड़ता है घर, जो कि वहाँ से स्टार्ट होता है, उस एरिया से स्टार्ट होता है, पूरा इस साइड तक है। ठीक है,
तो ये कुछ हमारे गांव का दृश्य है, ठीक है। तो बाकी तो ये मेन रोड है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो आज हम ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं यहीं के लोकल यूट्यूबर जिनका नाम दान सिंह रौतेला है, वो कि हमारे गांव से भी रिलेट करते हैं। तो भाई हमें घुमाने ले जा रहे हैं, तो भाई पहले मेरा नाम दान सिंह रौतेला है और मेरा चैनल का नाम है विलेज लाइफ इन उत्तराखंड। फिर से बताओ, विलेज लाइफ इन उत्तराखंड। तो भाई जिसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसको भी हमारे उत्तराखंड को एक्सप्लोर करना है, ब्यूटी के बारे में जानना है, तो वो भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई आगे बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो हम जा रहे हैं अभी ऊंचा वाहन, जहाँ पे हमको एक पत्थर और कुछ चीजें मिलेंगी, वो चीज हम आपको बाद में वीडियो में दिखाते रहेंगे। पत्थर किस चीज का पत्थर है, कुछ डिटेल बताओ। पत्थर ही पत्थर है इधर। थाली नुमा आवाज आती है और उसका साउंड जो है सबसे अच्छा अलग हटके है। तो उसमें थाली नुमा साउंड आती है और उसकी जो आवाज आती है वो और पत्थरों से हटके है, मतलब वो कुछ पारी मतलब पहले का कुछ है। उसमें ताबे की आवाज आती है, जैसे ताबा और बस्तर टन 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 करके, हाँ। तो उसी में आवाज आती है, वो तो हम वहाँ जाके फिर दिखाते हैं उसमें क्या क्या है, ठीक है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और ये हमने इधर गाड़ी खड़ी करी है, ठीक है। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं, ये देखिए इधर ना ये कुछ जगह है जिसका नाम है पड़िया। देखो ये आपका पड़ता है, ये पड़ता है आपका, देखो ओम श्री सिद्धार्थ हनुमान मंदिर, ठीक है। स्थल है ये ऊंचा वाहन, जो इस गांव का नाम है वो ऊंचा वाहन है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, ठीक है। ये कुछ यहाँ के मतलब प्राचीन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये कुछ पत्थर हैं, इनकी भी कुछ मान्यता है, ठीक है। तो वो हम भाई से जानेंगे कि इसमें ऐसी चीज़ें क्या हैं और क्या स्पेशल है जो कि ये हमें इधर खींचे, मतलब इन्होंने पिछली बार भी बोला था कि इधर आए, तो पिछली बार किसी काम की वजह से नहीं आ पाए थे। तो अब जानते हैं भाई से इन बारे में क्या है जो हमें आप यहाँ लाए हो, तो बताइए यार। ये पत्थर जो ये स्पेशली पत्थर हैं, ये पत्थर में उखल बने, उखल जो है अनाज कूटने के लिए जैसे कि वहाँ पर बना है, आपको पीछे भी दिखाता है एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे जो पुराने पूर्वज थे, तो अपने राशन की व्यवस्था या फिर अनाज की व्यवस्था, जो उनके पास कच्चा अनाज होता था उसको कूटने की व्यवस्था इसमें करते थे। एक मुसल होता था लंबा सा डंडा टाइप का, जिससे उसको कूटते थे। तो इन पत्थर में कुछ तो ये बने हैं, बाकी मैं आपको ले जा रहा हूँ आगे की जगह, वहाँ कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस फिर आगे चलते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं आगे ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आज हम अपने उत्तराखंड को भी एक्सप्लोर करते हैं, कुछ कुछ आपको प्राचीन चीज़ें ऐसी बताएंगे जो कि ना आपने देखी है ना हमने देखी है, तो आज उसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको आगे चीज़ दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का रास्ता है, और आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखो ये प्रॉपर यहाँ पूरे गाँव दिखते हैं, और वो अगर आप गौर से देखें तो आगे आपको ये देखो ये पूरी नदी है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ के स्थल हैं, हम मेरे ख्याल से हम ना बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं इस टाइम पर। तो यहाँ से देखो मैं अगर आपको एक्सप्लोर कराऊँ तो सारे पहाड़ पूरे ढंग से क्लियर हमें दिखते हैं, ठीक है। और जो सामने आपने देखा है तो इधर की साइड आपको वो नदी भी दिखाई देगी। अभी नहीं रहिए, देखिए कैसी कैसी क्या चीज़ें हैं ऊपर जाके, ठीक है। और इस तरीके से ये मतलब ये मंदिर ऐसा मेरे को लग रहा है कि ना पूरा पत्थरों के ऊपर ये बना हुआ है, देखो, क्योंकि नीचे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ही पत्थर में था। तो देखो बड़े बड़े यहाँ पर ना तरीके के पत्थर हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखिए इस तरीके से यहाँ का दृश्य है, ठीक है। तो गाइस ये हम ना मंदिर से नीचे की ओर आए, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर ना इसको एक तरीके से बोले तो ये सारे पत्थरों के ऊपर आधारित है, ठीक है चीज़ें। तो देखो ये पूरा इसके ऊपर, ये जो अभी हम गए हैं इसके ऊपर ही हम लोग अभी गए थे, जहाँ से हम पूरा 360 देख रहे थे। तो इसी इन्हीं पत्थर के ऊपर ना पूरा मंदिर बना हुआ है। तो देखो यार लोगों की कैसे कलाकारी, पहाड़ी लोगों की या पहाड़ी जो भी व्यवस्था करी गई है, कितने तरीके से करी गई है और कितने अच्छे से चीज़ों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ये कुछ उत्तराखंड की हमारी खूबसूरती है जो कि मैं खुद देख रहा हूँ और मैं आपको भी वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस ये सारा कुछ ना, ये मंदिर भी और ये सब ना देखो पत्थरों में बना हुआ है। और वहाँ से अभी हम लोग ना पूरा यहाँ से ओवरऑल ना ये बीच जो ये पहाड़ है ना, ये बीच में पहाड़ है, तो इसके ओवरऑल 360 ना सारा लुक है, जहाँ पर मासी भी आता है, द्रोणाट भी आता है, पाली भी आता है, इवन आपका कहें तो दुनागिरी मंदिर भी दिखता है, ठीक है। और आपका कहें तो हमारे जो गांव में है नैतना देवी, तो वो भी यहाँ से उसका भी दृश्य काफ़ी अच्छा दिखता है। कुछ पत्थर के बारे में बताया गया कि ना इस पत्थर में देखो सारी तरफ से ना ये बिल्कुल हार्ड है, बट इसकी ना कुछ मिडिल पॉइंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप वहाँ से अगर आप क्लैप करते हैं तो इसमें ना एक अलग सी साउंड आती है, जैसे कि थाली या कुछ कोई खाली चीज़ होती है वैसे ये साउंड करता है। तो गाइस मैं आपको ले चलता हूँ एक बार अंदर की ओर, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा है और आपको अंदर की साइड में ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ जो ये साउंड करता है। तो देखो ज़्यादा आगे तक तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि बिकॉज वो ना स्लिपरी एरिया है, बट मैं आपको ना यहाँ से एक बार बजा के दिखा देता हूँ कि इसमें कैसी आवाज आती है। तो ये इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इधर, ठीक है। यहाँ से हमने अपने आपको कर लिया लॉक, ठीक है। ये हमने लगा ली पीठ, तो आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके आइए, ठीक है। ये देखिए, तो गाइस ये इसके लिए कुछ नॉइज़ है, और आप और आगे थोड़ा सा कैमरा कर लीजिए, इधर रख लीजिए। तो मैं ये देखिए
और आप इधर बजाएंगे तो ये इधर बजाएंगे तो बिल्कुल हार्ड है, बट जो इधर की साउंड है ना ये देखिए, तो ये कुछ रिदम ना कुछ ढोलक की तरह रिदम है, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ की कुछ ऐसी खासियत है इस मंदिर की, बस ये इस मिड पॉइंट के अंदर है, बाकी पूरा ये हार्ड है, ये देखिए। तो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं ना तो सीधा स्लिप होके नीचे ही जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल स्लिपरी एरिया में रुके हुए, तो ठीक है गाइज आप मेहनत करते हैं, तो मेरा और दान सिंह का दोनों का चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज फाइनली आपने ये देख लिया होगा, ठीक है, होप आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिली होंगी, इवन मैंने भी ये पहली बार एक्सप्लोर करी हैं, तो इसको बोलते हैं थकली उडारा, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं यहाँ पर ना एक नियर बाय में म्यूज़ियम है, जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें प्राचीन चीज़ें जो कि हमने भी नहीं देखी, तो आज हम वो भी आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। और ये देख लीजिए इस पत्थर का साइज़ कितना बड़ा है, अभी तो आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको एक बार ये पत्थर का साइज़ दिखाता हूँ, तो ये देखिए इसके नीचे है सारा। तो गाइज ये ना गांव है, यहाँ का ऊंचा गांव है, तो जो ये ना पहाड़ों में ना क्या होता है, जैसे घर होते हैं परिवार के, तो उसको ना बाखली कहा जाता है। तो देखिए ये बाखली वहाँ से स्टार्ट है और सीधी लाइन में ना वो पूरी वहाँ तक है, तो ये कुछ पहाड़ों की बाखली हैं, जैसे अभी तो घर बोलते हैं, बट यहाँ पर क्या होता था जैसे पूरे पारिवारिक लोग होते थे वो सारे ना साथ ही रहते थे, तो ये पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा है। और देखिए इन्होंने कितने अच्छे से सजावट करके, ये देखिए पहाड़ी कद्दू जिन्हें कह सकते हैं, तो प्रॉपर फूल वगैरह लगा रखे हैं। और ये गांव ना एक अच्छा विकसित गांव है यहाँ का, जहाँ पर प्रॉपर देखो ये नाली वगैरह गंदे वेस्ट मटेरियल पानी के लिए यहाँ के लिए जाने के लिए है, और प्रॉपर इस गांव में 24 घंटे पानी आता है, अभी हमें ग्राम पंचायत ने बताया। तो हालांकि देखो पूरा गांव ना इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट करके बना रखा है कि एक मतलब जो आपको एक अच्छा लगे देखने में। तो गाइस अभी आपको अंदर एक्सप्लोर कराते हैं, तो देखिए कैसे कैसे फिर आपको चीज़ें दिखाएंगे, होप आपको अच्छी लगेंगी। तो गाइस हम ना ये ऊंचा वाहन में पहुंच चुके हैं, ये यहाँ के गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान हूँ मैं। अच्छा जी सर, मैं नमस्कार। ये मेरा गांव ऊंचा वाहन, मैं पूर्व प्रधान हूँ, और मैंने छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके आज बहुत कुछ हो गया है, और लेकिन मेरे पास सामान रखने के लिए जगह नहीं है, मैं जगह जगह इनको रखा हुआ है। तो प्रधान जी ने ना काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी जो पुराने ज़माने की जो कि हमारे मतलब पैदा होने से पहले की चीज़ें भी इधर रखी गई हैं, और आप देखिए आप एक एक करके हम ना इनसे पूछेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। जो भी 80s के हैं, 70s के हैं या 90s के लोग हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनकी ऐसी ऐसी सामग्री हैं कि जो कि हमारे दादा परदादा लोग भी यूज़ करते थे। तो प्रधान जी आप पहले क्या दिखाना चाहेंगे, ऐसा जो सबसे एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा, जो हमारा पहले होता था बुजुर्ग लोग जो बिना चप्पल के रहते थे। अच्छा। तो ये हमारे कांटा निकालने के लिए इसको कनगड़ बोलते हैं। अच्छा। जब कांटा वगैरह हो जाता निकल मतलब चुभ जाता था तो इसका इस्तेमाल करते थे। उससे एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, ये जो है तमकी थैल बोलते हैं इसको। अच्छा। जब हमारे बुजुर्ग जब दिया सिलाई या कोई लाइटर वगैरह कोई जलाने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा। तो उस जमाने में इसको आग जलाने का एक ही तरीका था, इसको झूल बोलते हैं। अच्छा। ये घास का होता है, ये ड्यासी है, इस पर टक्कर मारेंगे। अच्छा। तो चिंगारी निकलेगी, फिर इसमें आग जलेगी। अच्छा। तो इससे आग जलाने का काम करते थे। अच्छा। ये तमकी थैल है, तो ये बेहद ही खूबसूरत है, ये बहुत पुराना सामान है, पुराने में से पुराना है ना। हाँ जी। ये आप एक हट के एक लाइट वो देखेंगे लैंप। जी जी। मिट्टी के तेल का, आप मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, जलता है ये। जी जी। वैसे ये हमारे बहुत पुराने लैंप वगैरह जो हम इसमें पढ़ाई करते थे। हाँ, लम्फू जिसे कहते थे। हाँ जी। लैंप तो अब हम कहने लगे हैं शहरी, बट इसको पहले हम लम्फू बोलते थे। ये भी एक वो है, लैंप बोलते हैं इसको भी। जी। टेबल लैंप है ये। ये पुराने जमाने का है। जी जी जी। ये लालटेन हो गई। जी। ये गैस हो गया, ये भी एक तरह का लालटेन ही है, ये शेर का गिलास है, और इसको तामी बोलते हैं, घी वगैरह नापने के लिए इसका इस्तेमाल जो पुराने जमाने में होता था। जी। कटोरी नहटा बेलगनी है। जी। और ये आपको सबसे बढ़िया है, ये आम के लुक का एक सेब का ये क्या हुक्का है, इसमें हमारी अम्मा भी पिया करती थी। हाँ जी। इसको हुक्का बोलते हैं। हुक्के तो बहुत है, पर ये वाला जो छोटा था लेडीज वाले ज्यादा यूज करती थी इसे। प्यारा सा है ये, मतलब एक हट के इसका एक डिजाइन ही ऐसा बना रखा है, तो ये ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये आप देख रहे हैं ये गैस है, ये भी लालटेन है, ये पुराने सिक्के हैं, इसमें एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, पांच पैसा। आपको दिखा मछली मारने के लिए इसको कोर बोलते हैं। जी जी जी। ऊपर से लाइट जलती है। अच्छा। और फिर इसको ऊपर से घोंपते हैं तो वो मछली जो है इसमें आर पार हो जाती है। ओके। टॉर्च के साथ। तो ये टॉर्च के साथ आता था। हाँ जी।
ये ताव बोलते हैं हमारे यहाँ लघोर निकालने के लिए भी होता था, और कई बार जैसे बुजुर्ग लोग तो इसको अपने पेट में इसको ना गर्म करके लगाते थे। अच्छा, कोई जमाना अपाहिज वगैरह हो जाता था, अपाहिज का मतलब पेट फूल जाता था जैसे, जी जी हाँ, तो ये उसका भी इस्तेमाल करते थे। ये तेल निकालने के लिए पाई है जी, पुराने जमाने की जी, उखल से निकालते थे, उखल से, और ये चूहा इसमें जो है कट जाता। ये देखिए गाइस, पुराने जमाने की चूहादानी, ये बहुत पुराना हिसाब है, कितना पुराना होगा कम से कम, इसका मुझे आईडिया नहीं। ओके, और और कुछ आप विशेष चीज दिखाना चाहेंगे जो कि काफी चीजें हैं। ये पहले नमकीन बनते थे जो ये, अच्छा इसमें पहले नमकीन बनाई जाती थी, इसमें डालते थे और ये नमकीन बनने के लिए, जी 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 जी, हाथ से है ना। और कुछ ऐसी प्राचीन चीज जो कि ये लड्डू कहते हैं इसको, अच्छा, और इसमें मीट बनता था, अच्छा, पहले मीट बनाने के लिए दाल वाल गलने के लिए ये चीज, ये सन्नासी है, ये जैसे गरम तवा तवाला वगैरह पकड़ना है। अच्छा, तो इसे उठाते उठाए कर देते हैं। अच्छा प्रधान जी, हमें कुछ ऐसी प्राचीन चीज दिखाइए जो कि 1970 या 60 की हो, जो कि हमने भी ना देखी हो अभी, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने देखी हुई हैं। तो इसमें से यही है भी? अच्छा, जो सबसे प्राचीन है ये, हाँ, सबसे और बाकी मुझे इधर तलवार भी दिख रही है, एक तलवार है, अब ये लकड़ी के परात है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा जी, ये लकड़ी की है, इतने बड़े मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आइए आप आ जाइए, ये कंडी तो है ही है, ये लकड़ी की परात है, देखिए ये गोल्डन कलर में कर रखा है, और ये सिल्वर पेंट में, सिल्वर पेंट में कर रखा है, ये छलनी है। ये देखिए गाइस, पुराने जमाने की जो लकड़ी की परात हुआ करती थी ना, ये वो परात है, ये पूरी लकड़ी की है, ये पूरी लकड़ी की है। उसका वजन कितना होगा लमसम? वेट तो पता नहीं, दिखाइए यार, किलो के लगभग, एक बार दिखाइएगा मुझे, काफी वेट है। हाँ, छोड़िए एक बार गाइस, ये कम से कम 12 से 13 किलो या 15 किलो तक आराम से है, ठीक है। ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है, इसकी विशेष ये है, और ये प्रधान जी ने बहुत अच्छे से ये डेकोरेट करके ना इनके कलरफुल बना रखा है, जो कि पहले लकड़ी के कलर में आती थी, इन्होंने अपनी कारीगरी से इसको अलग नया रंग दिया है। ये स्टोव है बत्ती वाला, ये देखिए गाइस, ये भी कुछ पुराना है, केरोसिन से चलता है, ये केरोसिन से चलता है, ये ठीक ही है, इधर से ले जाने के लिए छीका कहते हैं इसको। इसमें हम क्या ले जाते थे? दही वगैरह, दही वगैरह, जैसे शादियों में मित्रों में जाना है कहीं जाना, तो पहले इसको पत्ता रखते थे, मंदिर से दही वही रखा, इसको फिर ले जाते थे। ये आप देखिए, हम जब होली खेलते हैं तो ये इस तरह के घर में ही ठप्पे पे लगा करके होली के वस्त्र हैं। ये दूल्हा दुल्हन के मुकुट है। और ये क्या लटक रहे हैं जैसे? ये है, ये जो बहुत ऊपरी भूभाग के लोग हैं, मतलब मैदानी भाग में तो नदी है वहाँ तैरना सबको आता है, लेकिन हमारे जो ऊपर के लोग हैं उनको तैरना नहीं आता है। जी जी जी। मछली पकड़ने के लिए कोई एक सीजन होता था जून जुलाई में। जी जी जी। तो इसको कमर में बांध करके वो डूबते, अच्छा, नहीं थे, ये टायर का काम करते, मतलब ट्यूब का काम। हाँ, जैसे आजकल बहुत सारी नई आ गई हैं, तो ये पुराने जमाने में ऐसे मारने का पकड़ने का वो टोकरी है, ये ना डूबे आदमी, ये वो है। और एक ये जो आपने बनाया है, ये क्या है? अनाज ना रखने के लिए पुराना, अच्छा, दाले वाले रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। आप ये पुराने जमाने का कद्दू का है शायद से ना, कद्दू के खोखल करके उसके अंदर जब गरीबी में लोग जीते थे। ये है हमारे घास पत्ते लाने के लिए, पिरुल उगल लाने के लिए। अच्छा, ये भीमल का बनाया जाता है। तो गाइस, मैं अगर आपको देखो ओवरऑल देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ रखा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे ये है दाल को करने के लिए, इसमें हाथ फेरेंगे, इसमें कांटे से बिल्कुल। जी जी जी। ये दाल के छिलकों को अलग कर देते हैं। अच्छा, उनको अलग कर, छिलकों को अलग करने के दौड़ी बोलते हैं जी। ये जाती होगी, ये भी एक तरह का छलनी है, वो बड़ी तांबे उसकी, पीतल की, पीतल की। ये आप ये देखेंगे, थाल है, बहुत पुराना है ये भी। जी जी। लेकिन उससे पहले ये होता था, इसी में दूसरा परिवर्तन हुआ कि फिर नटबोल्ट लग गए। ये क्या काम आता था? ये हल चलाने के लिए है, ये फाल लगता है नीचे हल पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है। तो इसमें इसी में परिवर्तन हो गया, भी कुछ चेंजेस ये है जी, है दोनों फाल ही। तो हाँ प्रधान जी, ये क्या चीज है? इसको भजाओ बोलते हैं जी, ये दूध गर्म करने के लिए काम आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये देखिए, ये जब दूध ऊपर को आता तो ये साइड में बने हुए, तो ये ऊपर दूध आता नहीं है। अच्छा, ये दूध को मतलब जो उबल के बाहर गिरता है तो गिरने नहीं देता, गिरने नहीं देता, ये इस शेप का बना हुआ है। जी जी जी। अब आपको ये दिखाएंगे, ये इसको हड़पी बोलते हैं, हड़पी। इसमें घी और दही का काम पहले बुजुर्ग लोग, ये किस चीज का है? ये लकड़ी का है, और इसके अंदर कैसे खोदा हुआ है ये बड़े ताजुब की बात है। ये भी एक मतलब हाँ नेचुरल तरीके से बनाया गया है, कोई बिना मशीन के यूज करे। ये पाई है, उसमें तेल लगते थे। अच्छा, लकड़ी का ही है, ये ठेके है सारे जितने भी। जी जी जी। और ये दही बिलोने के लिए, जो दही बिलोने के लिए जो बड़ा वाला होता है, डको बोलते हैं, डको, ठीक है। और ये कुछ तलवारें दिख रही हैं मुझे, ये बहुत पुरानी तलवार है, ये देखिए, ये राजपूतों का, ये राजपूतों की शान हुआ करता हमारे।
ठीक है। हाँ तो इस तरह की ये तलवार होती थी, ठीक है, जो पहले यूज होती थी, ये गांव में रखते थे एक मिसाल की तरफ की, हाँ एक जो दर्शाती थी जो शादी ब्याह में दूल्हा हाँ, उसका कमर में बांध के ले जाता था, वो ये वाली हो गई है। हाँ, ये वाली, ठीक है। तो आगे हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। ये देखिए दूरबीन है ये अच्छा, ये पहले टाइप का दूरबीन है, ये है ना, ये छोटा, ये बंद हो जाता है ये, हाँ ऐसे एक्सप्लोर करके उतना बड़ा जूम आउट जूम करने के लिए। जी जी, ये प्लस माइनस का लगा हुआ है, जी जी जी, तो जितना दूर देखना चाहते हैं उतना दूर हम देख सकते हैं इससे। ये कुछ हटके है, ये नए टाइप का है, ये क्या है अपने पास? ये अच्छा, भी दूरबीन ही है, ये नया लग रहा है मुझे, कुछ नया सा है वो, लेकिन वो बहुत पुराना है, ये तो आज के जमाने का ही है। कैमरे हैं, पकड़ लीजिए, ये पुराने कैमरे हैं ये सारे जो हम यूज करते थे जिसमें रील लगती थी। हाँ जी। और ये रिलायंस वाले फोन जो कि हमने खूब चलाए उस टाइम 15-20 हज़ार रुपए के आते थे ये। हाँ। सन 2004-05 की बात करूँ तो मैं, ठीक है। और ये भी है एक कैमरा, ये हो गया जो कि रील से बनते थे, ये हम कंचे खेलते थे बच्चों की, ये भी रख दी, ये देखिए कंचे भी हैं। हाँ। और ये पुराने टॉर्च हैं, रेडियो हैं, ये है टॉर्च, रेडियो है, वो टेप रिकॉर्डर है, बिस्तर बंद क्या है अपने पास? इसमें जब बिस्तर कहीं बिस्तर को जब हम दिल्ली से घर से जाते थे तो पैक करते थे, सामान भी रखा जाता था, तो इसको बिस्तर बंद बोलते। और इधर हमें कुछ बोतलें भी दिख रही हैं, किसने पी है पहले बताइए। ये देखिए सबसे बड़ी बोतल है, ये किसकी है? ये पी कर खाली ही मिली है मुझे। अच्छा, खाली मिली है, खाली करी गई है? करी गई है, ये सबसे छोटी है। ये आपने सच बोला? हाँ। तो प्रधान जी ने हमें बताया कि ये बोतल खाली करी गई है, ये पुराने जमाने की नहीं है। कुमार रेजिमेंट का है ये, कुमार रेजिमेंट का, इसका लोगो लगा हुआ है। जी जी, ये भी बोतल ही है, बोतल है, ये भी कुछ नया कुछ है जी। और जेब कंडिया देखिए आप, ये पुराने जमाने के बैग होते थे जिसमें कैरी करते थे लेडीज। हाँ, पहले जमाने में जब माइक थे ना, कोई आती जाती थी लेडीज, डालडा और पोमेलिन, ये विलुप्त हो गया बिल्कुल, ये हमने खाया है रथ वाला, इसका डालडा आता था। हाँ जी, ठीक है, पोमेलिन, ये सब तरह के हो गया, ये अंतरदेशीय वगैरह विलुप्त हो गए बिल्कुल। अच्छा, ये पहले संभाल के रखे हुए। अच्छा, इसको एक निकाल के दिखाइए, इसमें से दिख नहीं रहे। तो गाइस इस तरीके का कुछ है, तो ये देखिए पहले की जो चिट्ठियां भेजते थे उसमें जो ये ग्राम ये लगते थे, ये लगते थे पर्चियां पोस्ट लगते थे, ये इस तरह के वो मॉडल वगैरह लिखा जाता था। जी जी जी, इस पिन कोड होता है जी, सारी डिटेल है इसमें, ये मैंने संभाल के ये भी रखा है। और ये जेवर रखने वाला, ये पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का, ये की रजनीगंधा का ही ये भी होता था, ये भी रखा हुआ है, ये तो अभी भी चलता है। खैर, ये जैसा हो गया, ये इस तरह के इसमें जेवर रखते थे, क्रूस है इसमें, ये अच्छा बुनाई सुनाई के काम आता था, जैसे स्वेटर वगैरह बुनते थे, ठीक है। और ये क्या है? ये पुराने जमाने का टैपी कोटर है जो कि इसमें पूरा वो लगता था, ये बस की टिकट है डीटीसी की, ये डीटीसी मेरे ख्याल में अभी भी यही है, से थोड़ा परिवर्तन, डीटीसी तो बंद होगी मेरे ख्याल से। हां, ये डीटीसी की टिकट, बसों की टिकट है ये, हमने संभाल के रखी हुई है। तो कुछ ऐसा दृश्य है प्रधान जी के गाँव का। और ये अब थ्रू बोलते हैं इसको, ये जानवरों को दवाई पिलाने के लिए, देखो ये जानवरों को दवाई पिलाने के लिए होता है, यहाँ से उनके मुंह में ऐसे डाल के ये दिया जाता था, ठीक है। गाँव में जो है दवाई और ठेऊ बोलते हैं इसको, पहाड़ी में ये जो बच्चे चलने ये, जाता तो ये, हाँ, ये बहुत बेहतरीन चीज है गाइस। देखो हमने ना बचपन में ये चलाया, आजकल तो वो इलेक्ट्रिक वाले स्कूटर दे देते हैं बच्चों को या फिर वो साइकिल दे देते हैं, तो हमारे टाइम पे ना ये आती थी, तो ये मुझे याद है, इससे हम गिरे भी बहुत हैं। और ये इस तरह का एक झूला होता था जिससे बच्चे छोटे बच्चे चलना सीखते थे, ये गेहूं के द्वारा, और जब बनाया गया मोट बोलते हैं इसको। अच्छा, ये गेहूं की झाड़ से बनता है, और बहुत बड़े बड़े भी आपको दिखाऊंगा अभी, और मेरे पास और पड़े। जी जी जी, उसके बाद ये के लकड़ी का बॉल है, एक ही लकड़ी का बॉल है, एक बार देखते हैं इसको भी पकड़ के देखो, ये दिखाइए, ये देखिए ये लकड़ी का बॉल है, इससे खेला करते थे क्या? हाँ, खेलने के लिए बच्चे एक दूर फेंकते थे दूर से। अच्छा, वैसे कैच, हम कैच वाला खेलते थे इससे, जो कि आजकल बास्केटबॉल फुटबॉल हो गया है। हाँ। ये देखिए 1967 का मटका है, ये भी बहुत यादगारी चीजें हैं, आपने बहुत अच्छा कलेक्शन बना रखा है। म्यूजियम में घड़ियां जो आज के टाइम में विलुप्त हो गई, वहां दीवारों पर घड़ियां दिख रही हैं बहुत सारी। ये घड़ी है जो अलार्म वाली है, तो ये घड़ियां जो विलुप्त हो गई हैं, कुछ घड़ियां भी सजा रखी हैं। ये कॉर्डलेस है, ये एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए, ये कोडलेस फोन था जो कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में यूज करते थे, लाइंस का आता था, हालांकि इसकी कीमत उस टाइम 18-20 हज़ार रुपये होती थी, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो और भी जैसे रिलायंस के फोन आते थे, ये काफी पुराने फोन है और काफी, मतलब आप कह सकते हैं ये 2003 या 2004 के थे। और ये रस्सी बटने वाला एक, क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, पाई है, ये पाई किस काम आती है?
रस्सी बटने के लिए आता है। और एक ये धीमो से रस्सी बनती है, ये वो छोटा रूप है उसका, तौल है जो बड़े बड़े बंडल तौल बोलते हैं ना पंचायत में खाने के लिए। जी जी जी। और ये दवाई के लिए वैद्यों के पास जो पत्थर है उसको घिसते थे, इसमें ना वेदना अपने पत्थरों में दवाइयाँ घिसा करते थे लोगों के लिए। आपको दिखा देता हूँ ये देखो, इस तरीके से दवाई घिसती थी, तो ऐसे पहले वेद के अनुसार ये दवाइयाँ बनाई जाती थी। बाकी प्रधान जी बता रहे हैं हमारे भाई तो मैं पहले भी यहाँ आया। ये पुराने जमाने की छन्नियाँ हैं, छन्नी ये वाली और ये लकड़ी की, और एक ये लकड़ी की छन्नियाँ हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छी चीज है, लोग आए थे वो अधिकता के चक्कर में ना फिर सब फेंक रखा। बाकी आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि आपने सारी चीजें बहुत संभाल कर अच्छे से रखी हैं, और आपने अपने पूरे गांव को हमने देखा तो आपने बहुत ही अच्छे अपने गांव को डेकोरेट कर रखा है हर तरीके से। कुछ नावल वगैरह होते थे पहले, नावल्स वगैरह होता था, ये मैंने ये भी इकट्ठी कर रखी। कुछ पुरानी बताइए, सबसे पुरानी इस तरह की है, ये पुराने जमाने के नावल, जैसे ये राजहंस की है, टूटती दीवार है जिसका नाम है, एक है सुखरा सावन, ये इस तरह से ये इस तरह की इन्होंने अंधेरी राह है, अंधेरी राह सारी किताबें हैं ये देखिए, सारी इन्होंने ना किताबों का पूरा कलेक्शन रखा हुआ है, ये इसका भी कलेक्शन कर रखा है। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये सारी चीजें देख के। देखेंगे ये बकरी बोलते थे, बादाम निकलते थे इसमें से पहाड़ों में, ये जानवरों के मतलब जानवरों के मुंह पे इसको मास्क मुहा बोलते हैं, मास्क बोलते थे। और ये जो है ये गजाड़ू करके है, गजाड़ू आपने देखा भी होगा, ये मैंने इसको ऐसे सजो रखा, पानी अंदर डाल दो, ये इसमें कलियां निकल गई और फूल मैंने इसमें प्लास्टिक के लगा रखे। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर है। और ये एप्पल टाइप कुछ है, हाँ। ये मैं अभी सोमनाथ मेले में उपाध्यक्ष था। जी जी, ये मेरी अपनी फोटो है, बहुत ही सुंदर है। आपको जो मुझे मुख्यमंत्री द्वारा और कई चीजें जो है मैंने देखो, प्रधान जी को मुख्यमंत्री के द्वारा देखा होगा। जी जी जी, बहुत ही बेहतरीन। और ये देखिए प्रधान जी को हर तरह से जहाँ जहाँ मेरे को अवार्ड मिले प्रोत्साहित किया ना, ये सारी फोटो है, बहुत ही काबिले तारीफ है सारी चीजें। ये देखिए गाइस, ये ना पुराने जमाने के भाला और ये पलटा, ये नाव चलाने के लिए ना, फिर चावल आवल, अच्छा चावल वगैरह उनके लिए होता था, और ये भाला है। अच्छा आप बताना, हाँ एक बार भाई, इसको बोलते हैं गाइस ढुकरी, और ये अनाज बनाने के लिए काम आता है, अनाज रखने के लिए, सॉरी ये इसका ढक्कन है। और ये टाइप राइडर बहुत साल बाद देखा, ये टाइप राइडर हिंदी का टाइप राइडर आप पहली बार देख लोगे, यहाँ गोदरेज का है, कभी जमाना था इसके गोदरेज की कंपनी का। और हिंदी स्टेनो के लिए जब हम करते थे तो इस टाइम ये टाइप राइडर यूज किया था हमने, ये पीसीआर, और ये कंप्यूटर विलुप्त हो गया है, आजकल लैपटॉप आ गए, इकट्ठा रखा लिया ना हमने तो हमारे मामा जी ने कुछ यंत्र ले लिया है जो कि इनकी शादी में भी बजा होगा शायद से, तो ये इस तरीके से कुछ है, इसको क्या बोलते हैं मामा जी, ये नगाड़ा दमुआ, नगाड़ा और दमुआ बोलते हैं, जो कि बहुत पुराने प्राचीन टाइम में ये यूज होते थे शादियों में और अभी भी होते हैं, और ये उत्तराखंड के वादी यंत्र इनको बोला जाता है। देखिए कुछ इस तरह का यूज होता था, ये देखो प्रधान जी बताना चाहेंगे, ये सारे प्रधान जी को जो यहाँ पर अवार्ड मिले हुए हैं, तो ये सारे अवार्ड हैं जो कि इनकी विशेषता को अलग दर्शाता है, जो कि इन्होंने पहाड़ के लिए इतना काम किया है, हर हम भी इनको अप्रिशिएट करेंगे। हजार का सिक्का है ये, 1000 का सिक्का है, ये 100 का है, इसमें देखो आप, मैं आपको गाइस दिखाना चाहूँगा, तो ये इन्होंने हमें कुछ अलग चीज़ दिखाई है, ये देखिए 100 का सिक्का है, 1000 का सिक्का है, ठीक है, ये कुछ सिक्कों की विशेषता है। हाँ जी, इसको आगे पलटना एक और क्या चीज़ है? और हाँ, ये देखिए आपको गैस दिख रहे होंगे पुराने जमाने की भी, 20 पैसा, 10 पैसा आना, ठीक है, बाहर की भी है, ये देखिए, और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनाम मिले हैं, और ये है नीचे, ये 10 पैसा आना, और पहाड़ी अंकल 5 पैसा, 10 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ये 10 रुपये, 5 रुपये, ये तो नए एक है, और इसमें बाहर की भी है गाइस, ये नए जो अभी निकला चल रहा है, गोपाल बाबू गोस्वामी, ये देखिए गाइस, ये कुछ तरह के ये और नोट्स हैं, इस तरह का कुछ है, क्योंकि प्रधान जी को अवार्ड मिला है सांस्कृतिक महोत्सव का, ब्रिटिश टाइम के ये सिक्के हैं,
इसमें नेहरू जी भी हैं, और ये देखिए आपने शायद से देखे नहीं होंगे, तो इस तरीके के आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये 5 का सिक्का आज के डेट में तो लुप्त तो हो चुका है, ठीक है। ये देखिए पहले के ऐसे आते थे, 1818 का सिक्का है ये, ब्रिटिश का टाइम का। और देखिए गाइस जीरा, तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखो गाइस ये ना इन्होंने ना बहुत अच्छा ना कलेक्शन गांव में ही कर रखा है। तो ये पहले की देखो, इससे ना चटनियाँ वगैरह पीसते थे, ठीक है। ये हो गया, और ये देखो ये ना पीछे इससे इसको घुमा के गेहूँ वगैरह पीसना या कोई दाल वाल धान पीसना, तो इससे करते थे। तो इन्होंने ना गाँव में ही बहुत अच्छा इस तरीके का वो बना रखा है कि हाईलाइट पॉइंट की जो दर्शाता है गांव की खूबसूरती को। बाकी गांव की बात करें तो देखो इन्होंने प्रॉपर ना अच्छी जगह से तरीके से पूरा गांव में हर जगह हाईलाइट पॉइंट बना रखे हैं। और ये देखिए इस तरीके से पूरे मार्ग बना रखे हैं कि कहां से बाहर का रास्ता है, कहां से उधर का है, और ये इनके इधर का है, ठीक है। जन केंद्र है, आंगनवाड़ी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से है, आपको दिखाते हैं आगे। वैसे देखिए ये आंगनवाड़ी टाइप है, ठीक है। इन्होंने बना रखा है, प्रॉपर गांव में ही विकसित है चीज़ें। और देखिए प्रॉपर मार्ग बना रखा है नीचे जाने के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत इनका गांव है, छोटा सा है, प्यारा सा गांव है। और इस गांव में इन्होंने अच्छे से बहुत सारी चीज़ें मतलब ना मैनेज करके चीज़ों का कैसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कितनी पुरानी से पुरानी चीज़ें, तो उन चीज़ों का ना अच्छे से इस्तेमाल करके ये बना रखा है। तो गाइस देखिए, और ये कुछ मतलब जैसे आगमन के टाइम पे, ये मामा जी इनको हम क्या बोलते हैं, ये इन्होंने द्वार का बना रखा है, ये क्या है, पानी वाला, ये इस तरीके से ये फूल डाले हैं स्वागत के लिए। ये स्वागत के लिए इस तरीके से होता है कि शुभ माना जाता है कि आप गांव के अंदर अगर एंट्री कर रहे हैं तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अभी निकल चुके हैं इस गाँव से, ठीक है। तो ये कुछ गाँव का था, और अब आपको ले चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। देखो एक गाँव में कितने अच्छे से इन्होंने विकसित कर रखी हैं चीज़ें, कितने अच्छे से चीज़ों को, ये देखिए क्रोकोडाइल बना रखा है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने सुंदर बना रखा है। देखिए एंट्रेंस देखिए, वो देखो ऊपर से भैंस दिख रही है। तो कहीं देखो इस तरीके से इन्होंने फूल पौधों में भी अच्छे से पेंट करके ना चीज़ें बहुत अच्छे से बना रखी हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया ये हमने एक्सप्लोर किया। तो गाइज़ आपको भी शायद से वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो भाई हमारे मामा जी हैं, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।